का जन्म 13 अप्रैल सन 1945 को गुजरात के मेहसाणा जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम था खोड़ीदास भाई पटेल, जो कि पेशे से वो एक किसान थे। अपनी बेटी निरुपमा की डेथ के बाद करसन भाई पटेल ने उसी के घर पे बुलाए जाने वाले नाम निरमा से निरमा वॉशिंग पाउडर बनाने की शुरुआत की। उन्होंने अपनी BSc इन केमिस्ट्री के एक्सपीरियंस के दम पर अपने घर के बैकयार्ड में ही वॉशिंग पाउडर तैयार करना शुरू कर दिया था। वो रोज़ सुबह अपने साइकिल पर ऑफिस जाते समय निरमा को डोर टू डोर शेयर करते हुए निकलते और ऑफिस ख़त्म होते ही दोबारा ये बेचते हुए घर आ जाते थे। करसन भाई ने 3 साल इसे ऐसे ही बेचा और इन 3 सालों में उनको काफ़ी टाइम मिल गया अपना कंज्यूमर बेस बनाने का और साथ ही साथ खुद को और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते चले जाने का। सन 1969 में जहां एक तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ एक्सल 13 रुपये में बिक रहा था, वहीं वो निरमा को सिर्फ 3.5 रुपये में बेचकर मिडिल क्लास लोगों को खुश कर रहे थे। फिर सन 1972 में करसन भाई ने अपनी जॉब छोड़कर अहमदाबाद में एक छोटे से इलाका में अपनी दुकान खोल ली और वहीं से उन्हें प्रोडक्ट को लोकल लोगों के बीच तेज़ी पकड़नी शुरू की। जैसे जैसे उनका काम बढ़ता चला गया, वो सेल्समैन और वर्कर्स को हायर करते गए और इसी तरह कुछ सालों के अंदर अंदर निरमा ने गुजरात में अपनी पकड़ बना ली। बट गुजरात के बाहर निकलकर निरमा को बाकी सिटीज़ में काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ रिटेलर्स उनसे क्रेडिट पर माल उठाते थे और जब कई महीनों बाद उनका सेल्समैन पेमेंट कलेक्ट करने आता था तो दुकानदार या तो उसे भगा देता था या फिर पैसों की अगले महीने पे टाल देता था। उस समय मार्केट में बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स के बीच निरमा सर्वाइव भी नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे उसका सेल्स ग्राफ भी गिरने लगा था। ये देखते हुए करसन भाई ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ की इमीडिएटली एक मीटिंग बुलवाई और सबको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिए कि जो पेमेंट करते हैं वो करें, नहीं तो मार्केट से अपना सारा माल उठवाओ और आगे की सप्लाई भी रोक दो। रातों रात मार्केट से निरमा गायब हो जाने के बाद सभी रिटेलर्स और कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा झटका तो ज़रूर लगा, बट करसन भाई के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। उस समय हमारा देश बहुत तेज़ी से बदल रहा था और लोगों के घरों में टीवी भी बहुत तेज़ी से पहुंचते चली जा रही थी और जैसे ही उनका स्टॉक मार्केट में वापस आया, उन्होंने अपना सारा पैसा दूरदर्शन पर एक महीने पे एड पे एड चलवाने में लगा दिया। इस एड ने मार्केट में इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा कि अब हर किसी को बस निरमा ही चाहिए था। लोग डेली दुकानों में निरमा मांगने पहुंच जाया करते थे, पर निरमा है कि मिल ही नहीं रहा था। दुकान वाले भी इतने दुखी हो गए कि पीछे से निरमा वाले सप्लाई नहीं दे रहे और लोगों की डिमांड पे डिमांड आई जा रही है। करसन भाई ने तो फिर से अपने टीम की एक मीटिंग बुलवाई और इस बार निरमा की सप्लाई कंटिन्यू करते हुए उन्होंने सबके हाथ में एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेपर पकड़वा दिया, जिसमें मोटा मोटा अक्षरों में यह लिखा हुआ था कि अब से निरमा कोई भी माल क्रेडिट पे नहीं देगी, कैश ऑन डिलीवरी करो और चलते बनो। इस एक डिसीजन ने निरमा को रातों रात ब्रांड की इमेज में बदल दिया और उन्हें उस वक्त के टॉप बिजनेसमैन की लाइन में जोड़ दिया और आज निरमा 15,000 एम्प्लॉयज तक को जॉब प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी की सफलता के बाद करसन भाई ने सन 1995 को अहमदाबाद में एक कॉलेज की भी स्थापना की। उस कॉलेज का नाम निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी रखा गया। निरमा कॉलेज में इंजीनियरिंग, फार्मेसी से लेकर बहुत सारे और भी कोर्स हैं।